नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई सूचना के साथ। यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा एक नई विज्ञप्ति अभी लेखपाल की देखने को मिली और उसके साथ ही साथ आज आईटीआई इंस्ट्रक्टर की आपकी नई वैकेंसी 2504 पदों के द्वारा विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। सबसे बड़ी बात है जो यह पद आई है, यह वैकेंसी आई है, जैसे एएनएम की वैकेंसी रही, लेखपाल की रही, ऐसे ये भी आपका क्रम है। और इसमें सबसे खास वजह है कि आपका आईटीआई से रिलेटेड कोर्स का होना आवश्यक किया गया है। रेडियो ऑपरेटर की भी वैकेंसी आपकी आ चुकी है, 2240 पद अच्छे खासे आए हैं। और लेखपाल का जो पद आया है उसके लिए आपका जो है वो चल ही रहा है। जो लोग उससे संबंधित कोर्स चाहते हैं वो लोग परीक्षा प्लस ऐप के जरिए आप कोर्सेस से जुड़ जाइए, उसमें नोट्स, टेस्ट सीरीज, लाइव वीडियो क्लासेस सब कुछ उपलब्ध है। और जो लोग रेडियो ऑपरेटर के पद के लिए जुड़ना चाह रहे हैं वो लोग रेडियो ऑपरेटर के लिए जो आज आपकी वैकेंसी आई है उनके लिए आपके जो है अलग 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 कोर्सेस चल रहे हैं, तो लोग परीक्षा प्लस ऐप से उन कोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी में एक नई दिशा परीक्षा प्लस संस्थान के द्वारा चलाए जा रहे निर्देशन में दे सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी। इससे पहले आप लोगों को जो कुछ पूछना है उसके लिए परीक्षा प्लस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां आप पूछेंगे, हम लोग जवाब देते हैं। और साथ ही साथ इस चैनल को आपको लगातार अन्य सूचनाओं के लिए अपडेट रहना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको यथा समय सूचित हो जाए। आईटीआई इंस्ट्रक्टर की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के द्वारा यह वैकेंसी आई है और यह मुख्य परीक्षा अनुदेशक की है। अभी दो चार दिन पहले ही इसकी नियमावली भी अपडेट की गई थी। क्या होगा, आवेदन आपका 18 तारीख से प्रारंभ है और 8 फरवरी इसकी अंतिम तिथि है अब जो है फी पेमेंट करने की, और संशोधन की अंतिम तिथि आपकी 15 तारीख है। तो जो लोग आईटीआई वगैरह कर रखे हैं और जिन्होंने पीटी दिया है, बिना पीटी के आप नहीं डाल सकते हैं, पीटी इसमें अनिवार्य आपका बनाया गया है और उसी के तहत ये चीजें आपकी आई है। जिन्होंने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में शामिल हुए और आयोग ने स्कोर कार्ड दिया है, ठीक है, संख्यात्मक स्कोर के साथ वही लोग एलिजिबल हैं, लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जो अंडर इन्वेस्टिगेशन हैं या जो प्रोविजनल वाले हैं, ऐसे श्रेणी वाले जब तक आयोग में जांच चल रही है तब तक वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, बाद में निर्णय आएगा वो देखा जाएगा। शॉर्ट लिस्टिंग होगी, जैसे लेखपाल की परीक्षा में, एएनएम की परीक्षा में थी। मुख्य परीक्षा के लिए जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो शॉर्ट लिस्टिंग के द्वारा आपको एडमिट कार्ड से पहले बताया जाएगा कि आप लोगों का चयन हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। इसमें जिनको आवेदन करना है, आयोग की वेबसाइट आप खोलिए और आयोग की वेबसाइट से वहां पर जाकर के आप सारी चीजें अपनी जो है पीटी का स्कोर और अन्य चीजें जो कुछ है सब कुछ वहां पर दिया हुआ है, डोमिसाइल आपका, श्रेणी और सारी चीजें आपको अप्लाई करना है। फिर इसके बाद ओटीपी के द्वारा वेरिफिकेशन करना है। आगे इसमें हम बात करते हैं, पद आपके 2504 पद हैं और 2504 पदों के साथ साथ आपको अन्य चीजें भी आपकी दर्ज करनी है। उन सभी चीजों की आवेदन शुल्क अभी 25 रुपए जैसे आपके लेखपाल में मांगा गया, जब आपका मुख्य परीक्षा के लिए आप शॉर्टलिस्ट होंगे तो हो सकता है 160 रुपए और देना पड़े, वो आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले। मुख्य परीक्षा के लिए शुल्क भुगतान शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को अलग से करना है, फॉर्म का आप प्रिंट आउट ले लीजिए। अब हम इसमें बात करते हैं पद कितने हैं। पद जो है प्रशिक्षण एवं सेवा आयोजन उत्तर प्रदेश अनुदेशक के पद हैं इंस्ट्रक्टर, ठीक है। आपका मैट्रिक्स लेवल 6 और 35,400 से स्टार्टिंग होनी है, 1,12,400 वेतन मान है, अच्छा खासा है। 526 अनुसूचित जात के लिए, 1,042 अनारक्षित यूआर के लिए, 44 पद एसटी के लिए और ओबीसी के लिए 681 पद, EWS वालों के लिए 211 पद और कुल पदों की संख्या 2504। अस्थाई अस्थाई दोनों तरीके के हैं, वो बाद में परमानेंट होते ही है। इसमें जब हम बात करते हैं आरक्षण की, तो आरक्षण महिलाओं को उसी हिसाब से दिया गया है, ठीक है। और जितने विभिन्न इसमें व्यवसाय के अनुदेशक हैं उनकी रिक्तियों का विवरण व्यवसायवार उल्लेख विज्ञापन में नीचे आपका मिलेगा भी कि किसमें आपकी कितनी वैकेंसी है। और एक बात ध्यान रखिएगा, आवेदन करते समय आवेदन की अंतिम तिथि तक संबंधित शैक्षिक अर्हता धारित करना चाहिए, ठीक है, नहीं तो आवेदन आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा, बाद में आपके साथ दिक्कत आ जा सकती है। इसमें आरक्षण उसी हिसाब से है, जो आपके स्वतंत्रता सेनानी है 21 पद, उनके विकलांग के लिए आपके 70 पद, महिला के लिए 460 पद और जो आपके भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए 95 पद है। अब इनमें बात करते हैं शैक्षिक अर्हता होनी क्या चाहिए। आयु गणना आपकी 21 साल न्यूनतम 1 जुलाई से लेकर के 40 साल आपकी अधिकतम है, 1 जुलाई से आपकी आयु गणना होगी। यह भी ध्यान रखिएगा, अगर इसमें अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता की बात किया जाए तो ध्यान दीजिए सबसे महत्वपूर्ण, सारे लोग यही बात कर रहे हैं, तो अनुदेशक यानी इंस्ट्रक्टर के पद पर सीधी भर्ती है तो अभ्यर्थियों को निम्नलिखित अर्हताएं धारित करना आवश्यक है और वो भी आवेदन की अंतिम फॉर्म की लास्ट डेट तक आपके पास होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा परिषद, हाई स्कूल परीक्षा या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त
कोई परीक्षा, यानी न्यूनतम आपके पास स्ट्रेंथ होना चाहिए। दूसरी चीज, परिशिष्ट के स्तंभ चार संलग्नक 02 अभी नीचे लगा है, उसमें यथा लिखित विभिन्न जो आपके व्यवसायी अभिषेक मतलब आईटीआई के जो आपके ट्रेड होते हैं उनके लिए अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। और डीजीटी के अधीन विभिन्न विषयों में से किसी व्यवसाय में सुसंगत राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र, ठीक है, और अन्य अर्हता यदि कोई परिशिष्ट के स्तंभ चार में विहित है तो धारित करना आवश्यक है। इसमें एक्सपीरियंस आपका मांगा है, ध्यान रखिएगा, अनुभव होना चाहिए। सेवा में अनुदेशक के पद पर सीधी भर्ती है तो अभ्यर्थी के पास परिशिष्ट संलग्नक 2 के स्तंभ 4 में यथाविहित कार्य करने का अनुभव होना आवश्यक है। और अगर कोई औद्योगिक अनुभव है तो उस स्थिति में आपको उद्योग के लिए सरकारी नियम के अनुसार रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए, विद्यमान संस्था होनी चाहिए जहां आपने अनुभव प्राप्त किया, उसका टीआईएन नंबर या टीएएन नंबर चाहिए, सारी चीजें उसने लिख दी है। संस्था से अनुभव होने की स्थिति में अभ्यर्थी के पास अंतिम परिणाम घोषित हो जाने और तकनीकी अर्हता का अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात किसी खाद्य प्राप्ति संस्था या महाविद्यालय से सुसंगत क्षेत्र में अध्यापक या प्रशिक्षक के रूप में कार्य करने का अनुभव होना आवश्यक है। अनुभव प्रमाण पत्र भी चाहिए भैया, आप कितना वेतन पा रहे थे अगर आप वहां एज अ ट्रेनर जुड़े थे या वहां पर अगर आप पढ़ा रहे थे, तो यह चीज बड़ी हो गई इसमें। जो लोग धारित करते हैं वो लोग आपका इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 40 आपकी एज है और ये आपकी अर्हता ये तो तभी आती है अधिमानी वाली जब कोई लोग बराबर होते हैं। 21 से 40 आपका होगा। आयु गणना 1 जुलाई 2022 से है तो कम से कम एक साल तो यहां पर छूट मिल ही गई, 2021 से नहीं किया गया। और बाकी सबको जैसे ओबीसी एससी एसटी जैसे छूट मिल रही है उसी हिसाब से छूट सभी को दी जा रही है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, जिनके पास ये योग्यता है वो लोग इस योग्यता के अंतर्गत। लिखित परीक्षा की अगर बात की जाए तो लिखित परीक्षा आपका जो इसमें होना है सीधी सीधी ध्यान रखिएगा, इसमें प्रत्येक अभ्यर्थी को सीआईटीएस परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 20% अंक प्रदान किया जाएगा। और फिर आपके जो मूल्यांकन होंगे, एक तो ये परीक्षा जो आपकी होनी है सीधा सीधा 100 वाली होनी है, ठीक है, 100 प्रश्न वाली होनी है और 80% आपके वहां से रिटेन जो आपका पेपर होगा 100 अंक का पेपर होना है जो आप मुख्य परीक्षा देने जाएंगे और प्राप्त अंकों का 80% प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जाएगा, 20% वहां से लिया जाना है, ठीक है, और 80% यहां से 100% मार्क्स आपके इस तरीके से बनेंगे, फिर आपका फाइनल रिजल्ट दिया जाएगा, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। और फिर इसमें बात करते हैं कि क्या क्या चीजें आपकी अनिहार्यताओं में आती है, तो लिखित परीक्षा के लिए परीक्षा योजना वही चीजें हैं, यथाशीघ्र आपको जो है इसके सिलेबस के बारे में सूचित किया जाएगा, अभी आपका सिलेबस नहीं जारी किया गया। ये आपके पद हैं जिनके बारे में पूरी चीजें दी गई हैं कि कौन कौन से आपके पद कितने कितने पद हैं, उन सारी चीजों की यहां पर आपसे चर्चा की गई है, ये आप उसमें विज्ञापन में देख सकते हैं, विज्ञापन में आपको सारी चीजें दे दी गई हैं, ठीक है। ये आपके कुल पद हैं कि कहां पर कितने पद आपके खाली हैं, पूरे फिटर हो गए 63 तरीके के आपके इसमें पद हैं, पूरे के पूरे 63 ट्रेड जो आपके आईटीआई में होते हैं, फिटर बेल्डर टर्नर और तमाम तरीके के हैं, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए परीक्षा प्लस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, वहां पर डाल दी गई है सभी में आपका किस ट्रेड में क्या क्या कितने कितने पद हैं उनकी संख्या यहां पर बता दी गई है, ठीक है। तो अच्छे खासे पद हैं, 2504 पद अगर आपके पास है। और इसमें आपके क्या क्या होना चाहिए, 748 इसमें फोरमैन अनुदेशक हैं पद, और इनके लिए क्या क्या है, व्यवसाय या विषय क्या होना चाहिए, फिटर आपके पास होना चाहिए, 479 आपके लिए पद हैं इसमें, और आपको इसमें AICTE या UGC द्वारा मान्यता प्राप्त जो है इंजीनियरिंग महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से व्यवसाय स्नातक या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उपाधि होनी चाहिए, ठीक है, या फिर सुसंगत क्षेत्र में 2 वर्ष के अनुभव के साथ AICTE या मान्यता प्राप्त प्राविधिक शिक्षा परिषद से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा अथवा DGCT से एडवांस डिप्लोमा, या फिर आपका 3 वर्ष अनुभव के साथ फिटर व्यवसाय में NTC या NEC परीक्षा आप उत्तीर्ण किए हैं। अनिवार्य अर्हता है कि DGT के अधीन किसी पाठ भेद में सुसंगत राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र आपको चाहिए ही चाहिए, तो सबसे बड़ी बात तो यही है। ऐसे आपके बेल्डर में 441 है, 1 वर्ष का अनुभव मांगा गया है और इसमें भी इंजीनियरिंग महाविद्यालय से, ठीक है, या विश्वविद्यालय से व्यवसाय स्नातक मैकेनिकल या मेट्रोलॉजी या प्रोडक्शन इंजीनियर या मेट्रो जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में उपाधि होनी चाहिए, ठीक है, या फिर आपका NCTE के द्वारा जो आपके ITI वाला रहता नहीं है वो चीजें आती है, तो वहां से आपको 3 वर्ष का डिप्लोमा या अन्य अनुभव के साथ DGT से एडवांस डिप्लोमा आपका वोकेशनल होना चाहिए। ये तरह तरह की आपकी अर्हताएं दी गई है, तो इसमें आपका ये भी देख ले कि जो लोग आपके कहीं ना कहीं
इंजीनियरिंग महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से पाठ्यक्रम किए हुए हैं उनको भी इसमें अप्लाई करने का मौका मिल रहा है, और या फिर जिन्होंने आईटीआई से आपका आगे अपनी पढ़ाई कर रखी है उनके लिए भी है। तो मौका सभी के लिए, अच्छी खासी चीजें हैं इसमें। आप बाकी अनिवार्य जो अर्हताएं हैं, ठीक है, 63 तरीके के पद हैं, इसीलिए मैं पूरी चीजें आपको नहीं बता रहा हूं, आप लोग पीडीएफ से देख लीजिए। तो यहां 63 तरीके के पद आपको दिए गए हैं, वहां से आप लोग सारे लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 40 एज है, पीटी आपने परीक्षा अगर दे रखी है तो आप सारे लोग इंजीनियरिंग कॉलेज वाले अप्लाई कर सकते हैं, जो लोग इंजीनियर हैं वही इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है, सीधी सी बात है। यह आपका आईटीआई है प्लस आपका अनुभव है, पढ़ाई लिखाए हैं, ये सारी चीजें जो मांगी गई है ये चीजें आप पीडीएफ से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अन्य कोई आपको समस्या होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहां पर आपके जवाब दिए जाएंगे। और पीडीएफ के लिए परीक्षा प्लस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपके जो अन्य संशय हैं वो आप पूछिए, हम उनका जवाब देंगे, ठीक है। अन्य अपडेट के लिए चैनल को एक बार पहले भी मैंने बताया, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी पुश कर दें। रेडियो ऑपरेटर, अपकमिंग आपकी यूपीपी कांस्टेबल, जो आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर रहेगी, सभी के लिए संस्था के जो है निर्देशन में बैच संचालित हो रहे हैं। आप विभिन्न विषयों को परीक्षा प्लस ऐप के द्वारा ज्वाइन करके अपनी तैयारी में एक नई दिशा दे सकते हैं, एक नए मार्गदर्शन के साथ। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होंगी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।